फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे। ये पार्ट टू है, इससे पहले आप पार्ट वन देख चुके हैं। हमने कोशिश की 100% क्लैरिटी के साथ आपको सही आंसर्स बताए जाएं, पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी दी जाए और आंसर्स भी छोटे छोटे हों। इन केस आपको लगता है कोई आंसर शॉर्ट रहा है तो हम उसको डिटेल में कुछ टाइम बाद बना देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, प्रोबा 3 मिशन के बारे में पूछा गया है। तो प्रोबा 3 मिशन जो है वो ESA का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA। नेक्स्ट इज 52, विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर कंटेन्स द ओजोन रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व करने के लिए जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है वो कौन सी होती है? जहाँ पे ओजोन होती है तो होती है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर होती है पहली लेयर। ओके, 53 क्या कहता है? 53 कहता है कि इसेंशियल नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से होंगे? तो आपका ये ग्रेनाइट, मार्बल एंड लाइमस्टोन होंगे, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम तीनों गोल्ड हैं। यहाँ पर आयरन, एलुमिनियम, जिंक, कॉपर, सब के सब सॉरी मेटल्स हैं। ये भी मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकते आपके, ठीक है। और सीमेंट, यहाँ पर कोई मिनरल नहीं है, तो ग्रुप सॉरी कुछ मिक्सचर होता है जब बहुत सारे मिनरल्स मिला देते हैं। ओके, 54 देखिए बच्चों, तो फॉर सॉरी विच थ्री एडिबल प्लांट स्पेसीज कंस्टिट्यूट फॉर अबाउट 60% सप्लाई ऑफ द वर्ल्ड फूड एनर्जी इनटेक। तो ये तो इन फसलें, क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? या आपकी वीट, राइस एंड मेज होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 55, व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ एल्कोहल दैट आर इंक्लूडेड इन बायोफ्यूल? तो बायोफ्यूल में इथेनॉल होता है और उसके अलावा बायोडीजल होता है। इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट इज 56, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम। इसमें आपका एनर्जी साइकिल भी होगी, फूड चेन भी आती है, न्यूट्रिएंट साइकिल भी होती है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और भी बहुत कुछ इसमें आता है, बायोलॉजिकल, बायो केमिकल साइकिल्स इसमें आती है, एनर्जी फ्लो इसमें आता है। ओके, इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन, होम्योस्टेसिस, ये सब इसी के पार्ट हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57, विच टाइप द टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रोन इन हिमालयन रीजन? कौन से टाइप के फॉरेस्ट हिमालयन रीजन में होते हैं? ये होते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट 58 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो जियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया? तो इसमें साउथ ईस्ट जोन नहीं होता। नेक्स्ट 59 कहता है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ आंट ऑन द अर्थ? आंट या कोई भी छोटे से छोटा एनिमल या प्लांट अगर ज़मीन से गायब होता है, उसका सीधा असर हमारी लाइफ पर पड़ता है और यहाँ पे लाइफ डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज मोस्ट एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट इज 60, नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट बट यूजेज एनक्रिप्शन टू स्क्रैम्बल ऑल द डेटा सेंट थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए 61, फिल इन द ब्लैंक है, इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम दैट वी शुड चेंज द सिस्टम टू फिट द चाइल्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे आप 62, ए क्रिएटिव स्टूडेंट कैन बी आइडेंटिफाई बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन? तो एक्सप्रेसिंग ओरिजिनल आइडियाज ऑन द प्रॉब्लम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 63, क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट इज 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी? तो ये होती है आपकी डिसलेक्सिया, तो ये एक तरह की रीडिंग डिसेबिलिटी होती है। 65 देखिए, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच ए विजुअली चैलेंज स्टूडेंट अलॉन्ग विद नॉर्मल स्टूडेंट, तो उस केस में आप क्या करोगे? ऑप्शन बी देखिए, टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम। 66, ए टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और शी प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज मैनर, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो सबसे ऊपर जाती है। उसके बाद 67 देखिए, बाई विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ द ट्रू इवेल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल? बाई कंटिन्यूस इवेल्यूएशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 68 कहता है, दो असर्शन और रीजन, दो स्टेटमेंट दिए हुए यहाँ पे, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे देखेंगे आप 69 नंबर कहता है, एजुकेशन इज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, इन सभी के लिए होता है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, इससे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी, तो ऑप्शन डी इज बेस्ट। नेक्स्ट इज 70, ए टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट बाय बिहेविंग आइडियली, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबसे अच्छी बात यह कि वो भाषण ना दे और आइडियली बिहेव करे। 71, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन स्कूल इज, स्कूल में सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या है क्वालिटी एजुकेशन का? तो ये होगा आपका स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 72 देखिए, इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इज इफेक्टिव इन, पर्सनालिटी में भी होगा ये और क्लास टीचिंग में भी और डिसिप्लिन में भी, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 73, स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी, जो स्टूडेंट क्लास में क्वेश्चन पूछता है उसको क्या करना चाहिए? एनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 74 देखिए, करेक्टर्स
कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाई, कौन डेवलप करता है कैरेक्टर? टू ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम डिटेल में नहीं जा रहे, ज़्यादातर क्वेश्चन को हम ऐसे ही बता रहे हैं ताकि आप शॉर्टेस्ट वे में आंसर नोट कर सको और अपना स्कोर बता सको कि कितना स्कोर आपको आया और कितना कैसा लगा आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल, ताकि हम आगे जा करके अपना कुछ व्यू रख सकें कि कितना इसका कट ऑफ रहने वाला है, किस किस को इंटरव्यू में कॉल आने वाली है और आगे वे आउट क्या है अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो, या आप मेरिट में पिछड़ गए तो क्या होने वाला है। ओके एनीवे, चलिए 75 नंबर सवाल देखते हैं। नेपा इज मेनली कनेक्टेड विद, तो ये है एजुकेशनल प्लानिंग से रिलेटेड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दाई ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो ये हुआ आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डाई ब्रेन क्यों लिखा इसने। चलिए एनीवेज, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती ही है। नेक्स्ट देखेंगे 77, इंस्ट्रक्शन मीडियम अफेक्ट द एब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम क्लास टीचिंग, एग्रीड, यस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78, फॉर ए गुड कम्युनिकेशन क्लैरिटी ऑफ थॉट इज रिक्वायर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। 79 देखिए, टीचर बिहेवियर ऑट टू बी, क्या होना चाहिए टीचर का बिहेवियर? इंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80, विच आर द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट हैव फ्रॉम ग्रुप लर्निंग, तो इसका आंसर सही होगा आपका ऑप्शन डी, टू अट्रैक्ट आइसोलेटेड स्टूडेंट टूवर्ड्स द ग्रुप, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, ये बेहद धुंधला है तो आप प्लीज़ इस पेज को भी भेज दें, अगर भेज सकते हैं तो इस पे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें ताकि हम पूरी आंसर की आपको सभी 85 क्वेश्चन की अवेलेबल करा सकें। ओके और ये अगले आई थिंक तीन सवाल तो पूरी तरह से धुंधले हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप 85 नंबर सवाल, और ये लास्ट सवाल होगा आपका, चूंकि चार सवाल यहाँ पर पूरी तरह से ख़राब है। कहता है विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी रोल ऑफ टीचर इन द फ्यूचर विल बी, कैसा हो जाएगा रोल टीचर का? तो ये हो जाएगा टू गाइड स्टूडेंट्स, ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।